हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग होपफुली यू गाइस आर फिट एंड फाइन आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही हैं और आपने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से तैयार कर लिया है अगर प्रीवियस लेक्चर अच्छे से तैयार नहीं है तो आपको आगे का लेक्चर अभी नहीं चालू करना चाहिए पहले वो लेक्चर तैयार करें फिर आगे बढ़ें ऑल लेक्चर्स आर इंटर कनेक्टेड एज वी नो एन सी आर टी एक दूसरे से हर चैप्टर काफ़ी कनेक्टेड है उसी तरह से सारे लेक्चर भी एक दूसरे से काफ़ी कनेक्टेड है बीच में अगर आप स्किप करेंगे तो इट इज़ हार्ड टू ग्रेस्प हार्ड टू अंडरस्टैंड तो बेटर आप पहले वो लेक्चर को तैयार करें फिर इस लेक्चर पर आएँ हर लेक्चर को तैयार करने के लिए कम से कम पाँच बार वीडियो को देखें रिवाइज करें मेमोराइज करें तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा और आसानी से हम लोग आगे चलेंगे तो चलिए हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं लेट्स बिगिन द लिविंग वर्ल्ड लेक्चर थ्री वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे टेक्सोनॉमिकल एड्स these are the instruments which are very helpful in classification naming identification for different different organism several points are given in ncrt especially nine points are there first one is herbarium herbarium is a storehouse of collected plants specimens

हरबेरियम शीट्स आर लेबल्ड विथ इन्फॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन यानी हरबेरियम शीट में डेट और कलेक्शन का प्लेस लिखा जाता है इंग्लिश लोकल और बॉटनिकल नेम्स लिखे जाते हैं प्लांट की फैमिली और जिसने इसे कलेक्ट किया है उसका भी नाम लिखा जाता है नॉर्मली हरबेरियम शीट की साइज़ साढ़े सोलह से साढ़े ग्यारह इंच होती है बॉटनिकल गार्डन्स नेक्स्ट पॉइंट दीज आर स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैविंग कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस एंड आइडेंटिफिकेशन पर्पस। बॉटेनिकल गार्डन्स में हम लोग लिविंग प्लांट्स को रखते हैं आइडेंटिफिकेशन और रेफरेंस के लिए इन प्लांट्स पे बॉटेनिकल नेम लोकल नेम के साथ तथा फैमिली का नाम भी लिखा जाता है देर आर सम फेमस बॉटनिकल गार्डन्स विच आर मैं इन एन सी आर टी फर्स्ट वन रॉयल बॉटनिकल गार्डन्स एट क्यू इंग्लैंड सेकेंड इंडियन बॉटेनिकल गार्डन्स हावड़ा वेस्ट बंगाल इन इंडिया नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इन इंडिया फर्स्ट वन रॉयल बॉटनिकल गार्डन सेकेंड इंडियन बॉटनिकल गार्डन थर्ड नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट म्यूजियम म्यूजियम इज ए कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर स्टडी एंड रेफरेंस म्यूजियम में हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स को प्रिजर्व फॉर्म में प्रिजर्वेटिव में स्पेसीमैन के रूप में रखते हैं नॉर्मली प्रजर्वेटिव हम लोग फॉर्मेलिन यूज करते हैं अ म्यूजियम कंटेन्स स्पेसिमेंस प्रिजर्व इन प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन इन कंटेनर्स और जार्स प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पेसिमेंस प्रिजर्व एज ड्राई स्पेसीमैन इंसेक्ट्स प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर कलेक्टिंग किलिंग एंड पिनिंग इंसेक्ट बॉक्सेस में हम लोग इंसेक्ट्स को रखते हैं उन्हें किल करने और पिन करने के बाद एनिमल जो बहुत बड़े साइज के होते हैं उन्हें इस्केल्टन के रूप में हम लोग म्यूज़ियम में रखते हैं रेफरेंस के लिए फॉर एग्जांपल डायनासोर्स जूलॉजिकल पार्क्स जूज दीज आर प्लेसेस वेयर लाइफ वाइल्ड एनिमल्स आर कैप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वामेंट्स अंडर ह्यूमन केयर ज़ू जो हम लोग काफ़ी पॉपुलरली जानते हैं बचपन से ज़ू हम लोग ने देखा होता है इसमें लिविंग वाइल्ड एनिमल्स रखते हैं फ्लोरा किसी भी प्लेस की या किसी भी गिवेन एरिया में जितनी भी प्लांट स्पीसीज़ होती हैं वो फ्लोरा कहलाती हैं फोना किसी भी गिवेन एरिया में जो भी एनिमल स्पीसीज होती हैं वो फूना कहलाती हैं। जूलॉजिकल पार्क जूस फ्लोरा एंड की इट इज अ डिवाइस यूज टू आइडेंटिफाई स्पीसीज इन अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज यानी सिमिलरिटी और डिसिमिलैरिटी के आधार पे प्रत्येक स्पीसीज को पहचानना आइडेंटिफाई करना और उन्हें प्रॉपर ग्रुप में डिवाइड करना की के आधार पे ये हम लोग करते हैं इसमें हम लोग कंट्रास्टिंग यानी अपोजिट करेक्टर को देखते हैं ये जो अपोजिट करेक्टर होते हैं ये मिलके कपलेट कहलाते हैं ये जो दो अपोजिट ऑप्शन है उसमें से किसी एक को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं दूसरे को रिजेक्ट करते हैं कपलेट के हर स्टेटमेंट को हम लोग लीड कहते हैं की एक इम्पॉर्टेंट फीचर है क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट पॉइंट इज मैनुअल्स फंक्शनल इंफॉर्मेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज ऑफ अ गिवन एरिया इज रिकॉर्डेड इन मैनुअल्स

that is known as catalog so these are the few points which are used in classification popularly known as taxonomical ads